Ja. Zit die nog wel? Kom. सिंगल पिक निकालना है इंस्टा के, हमको सोलह दिन Thank you.
मैम यो आइए मैम इस बार ये जो पूरे हमारे गणपति सीजन रहा है आई थिंक इट हैज़ टू बी माई बिजिएस्ट क्योंकि सबसे अच्छा क्योंकि मैंने हर जगह जाके आई हैव मेड श्योर कि मैं बप्पा के दर्शन लूँ और यहाँ पर आके तो डेफिनेटली अंदर से एक हैप्पीनेस है एक जॉय है एक खुशी है वो बप्पा की शक्ल देखते ही मतलब यू जस्ट एंड अप फीलिंग सो मच बेटर अबाउट योर लाइफ तो वो जो पावर वो जो स्ट्रेंथ बप्पा देते हैं वो आई डोंट थिंक मुझे कहीं और से मिलती है एंड जिस तरीके की अरेंजमेंट है जो डेकोर है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आके यहाँ पे अंधेरी चा राजा के दर्शन कर पाऊँ मैं रायगढ़ फोर्ट नहीं गई हूँ लेकिन यहाँ आके लग रहा है कि अब जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब और इतना अच्छा है कि मतलब एक्चुअली शूटिंग हो सकती है मतलब उस लेवल का इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन और दिख रहा है कि बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से ये सब किया गया है एंड लाइक आई सेड दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस तो वो जॉय और हैप्पीनेस वो खुशी वो प्यार वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है आप अगर बचपन की कोई यादें गणपति जी को लेके या फिर कोई भी उनकी फेवरेट स्वीट्स आप कभी बनाते हो मोदक आपने मैंने तो मैं सारे खा गया इसका प्रसाद भी मैं खा गया आई थिंक गणपति जी की जो यू नो मतलब मुझे तो सॉरी मैं बीच में बचपन से सिर्फ यही बोला जाता है कि हम मम्मी दादी यही बोलते थे कि कोई भी कार्य नया कर रहे हो तो गणपति जी को सबसे पहले याद करना चाहे आप नई गाड़ी लेते हो तो गणपति जी हम शूटिंग करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी रोल Correct. होते हैं Correct. तो हर चीज़ का और वो एक्चुअली कहते भी है ना कि श्री गणेश कीजिए तो मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है और इस साल आई थिंक लास्ट वन ईयर हम दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा एक पर्सनल रीज़न की वजह से और इस बार बप्पा ने बुलाया और कहीं ना कहीं मन को वो शांति मिली है और ये बप्पा का ही कमाल है जो उन्होंने हमको बुलाया है और जैसे होता है ना बच्चों को अपने शरण में बुलाया है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तो हम हैं मैं हूँ ना वो फीलिंग हमेशा आती है जब जब मैं बप्पा की शक्ल देखती हूँ उनकी उनके पैरों को छूने का मौका मिलता है आई ऑलवेज गेट दैट फीलिंग दैट सब सही है ऑल इज वेल राइट नाउ आई एम नॉट रियली डूइंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑन टीवी और वेब बट बप्पा के दर्शन हो गए हैं तो लग रहा है कि रियलिटी शो नेवर से नेवर लेकिन काफ़ी रियलिटी शोज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो आई थिंक अब मेरी लिस्ट में इंडियन आइडल तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे गाना आता नहीं है उधर मत जाना उधर प्लीज मत जाना यहाँ पे बिग बॉस की बातें ना करे तो बेहतर थैंक यू सो मच मौर्या दादा पूरा जा उबे रहा मुझे ये मोबाइल चलो मेन 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 अच्छा हेलो या या ये प्रसाद है सबके लिए आप किसी को भी दे सकते हैं गरीब को भी दे सकते हैं सबके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत